कौन फाइनल पेपर फर्स्ट पेपर टाइटल परियोजना नियोजन एवं बजटरी नियंत्रण प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इस अपने सिलेबस के अनुसार इसमें जो सबसे पहला वेब हुआ है परियोजना, इसका अर्थ परिभाषा और विशेषताएं। हम सबसे पहले इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। अर्थ और परिभाषा, हम देखते हैं कि कई योजनाएं बनाते हैं, जैसे सरकार भी बनाती है या घर परिवार में भी जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो पहले इसे उसकी योजना बनाते हैं, यानी उसमें कितना खर्च आएगा, उसके लिए क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो जिससे क्या आगे हम उसकी व्यवस्था में आसानी हो जाए, सरल हो जाए। तो इसके लिए इस कारण से हम पूर्व अनुमान के आधार पर हम योजना बनाते हैं इसी। तो परियोजना में देखो, इसमें जैसे किसी मकान का निर्माण करना हो, कोई संयंत्र या फैक्ट्री स्थापित करना हो, कोई जन्मदिन पार्टी या पिकनिक आयोजित करना हो, तो ये सभी योजनाओं में आती है और इनमें से प्रत्येक गतिविधियों का एक स्लॉट और प्रत्येक का एक निश्चित प्रारंभिक व अंतिम बिंदु है। तो परियोजना गतिविधियों का एक सुसंगठित कार्यक्रम है जो किसी निश्चित ध्येय तथा पहुंचने के लिए क्रियान्वित की जाती है, जो अक्सर विनिर्दिष्ट अंतिम बिंदु के साथ अनावर्तक प्रकृति की होती है। अब जो इसको परिभाषा विद्वानों ने दी है वो देख लेते हैं। लिटिल और मेजलिस के अनुसार परियोजना से तात्पर्य हमारा परियोजना से हमारा ये तात्पर्य होता है कि निवेशित संसाधनों के लिए कोई भी योजना अथवा योजना का अंग जो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उचित रूप से विश्लेषित एवं मूल्यांकित किए जा सके। अब प्रबंध शास्त्र के विश्वकोश के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसके बारे जो विचार प्रकट किए हैं इसके बारे में वो है, परियोजना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित संगठित इकाई है। एक विकास परियोजना की पूर्व निर्धारित कार्यक्रम विशिष्टियों के समनुरूप समय पर बजट के अंदर सफलतापूर्वक निष्पत्ति किया जाता है। तो अब हम निष्कर्ष रूप से इसकी परिभाषा यही दे सकते हैं कि यह एक सकल प्रयास है, समय परीक्षित और लक्ष्य निर्देशित मुख्य उद्यम है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य कौशल और संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो संक्षेप में हम इस परिभाषा को इस प्रकार दे सकते हैं कि कार्य निष्पादन लक्ष्य युक्त भावी गतिविधियों के लिए एक अनित्य कर्मी अनावर्तक एकल उद्यम के रूप में हम इसको प्रकट कर सकते हैं। अब परियोजना की विभिन्न विशेषताएं हैं, विशेषताएं क्या क्या है वो हम देख लेते हैं।
इसमें जो पहली परिभाषा है वो है लक्ष्य दुआ उद्देश्य समूह। परियोजना एक सुनिश्चित समय लागत और तकनीकी निष्पादन के भीतर प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य उद्देश्यों का समूह है, जिसमें देखो समूह है लक्ष्य, हम लक्ष्य क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसका हम एक सूची बना लेते हैं। तो ये परियोजना में लक्ष्य निर्धारित करना भी एक विशेषता है। स्वामित्व, प्रत्येक परियोजना का एक स्वामी होता है, ये निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति अथवा कंपनी हो सकती है, सार्वजनिक क्षेत्र में एक सरकार अथवा सरकारी उपक्रम हो सकता है, यानी किसी न किसी परियोजना का स्वामित्व जरूर होता है। अंतिम अवस्था, परियोजना सदैव जारी नहीं रह सकती, इसे कभी न कभी समाप्त होना होता है। परियोजना का उद्देश्य समाप्त होते ही वह योजना समाप्त हो जाती है। जैसे जन्मदिन की पार्टी है तो वो पार्टी हमेशा नहीं चलती है, क्योंकि उसका एक टाइम होता है, उस टाइम पर वो पूरी हो जाती है। और इसी प्रकार एक मकान का निर्माण करने की योजना होती है, तो वो मकान का निर्माण है, वो निर्माण पूरा होते ही योजना पूरी हो जाती है। सामूहिक कार्य, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक परियोजना निर्देशित दल, परियोजना दल तत्व नियोजित नियंत्रित व संचालित की जाती है। ये परियोजना है वो सामूहिक कार्य है, किसी एक के द्वारा नहीं किया जा सकता परियोजना को। जोखिम व अनिश्चितता, परियोजना में भविष्य में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियां शामिल होती है, और इसलिए इसमें जोखिम और अनिश्चितता भी होती है। इन दोनों का विस्तार इस पर निर्भर करता है कि परियोजना किस प्रकार से नियोजित संचालित और नियंत्रित की जाती है। फिर उपसंविदा, प्रत्येक परियोजना का पर्याप्त हिस्सा उपसंविदा के द्वारा निष्पादित किया जाता है। परियोजना की जटिलता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक उपसंविदाकारों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य का विस्तार होगा, यानी परियोजना का कुछ हिस्सा है वो दूसरों के द्वारा भी पूरा कराया जा सकता है। और जितनी परियोजना जटिल होती है, जितनी परियोजना में दिक्कत आती है, तो उसके अनुसार अलग अलग संविदाकारों को भी परियोजना में शामिल किया जा सकता है। ग्राहक विशेष, परियोजना सदैव हमेशा ग्राहक केंद्रित होती है, आवश्यकताएं और सीमाएं जिसके अंदर परियोजना निष्पादित की जाती है सामान्यतः ग्राहक की मांग पर होती है, या फिर लाभार्थी ग्राहक को ध्यान में रखकर नियोजित की जाती है। जीवन चक्र में यह है कि परियोजना का एक प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु भी होता है। जीवन चक्र की विशेषता जिसका विकास, यानी परियोजना का विकास, परिपक्वता और क्षय द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। परियोजना का संगठन जैसे जैसे इस चक्र से गुजरता है परिवर्तित होता है। इसकी प्रारंभ की अवस्था से शुरू होकर गतिविधियां परिपक्वता या कार्यान्वयन के द्वारा शिखर पर पहुँचती है, और परियोजना पूर्ण वर्ष पूर्ति की अवस्था में यह शून्य स्तर पर आ जाती है। तो इस प्रकार ये परियोजना, इसमें और दो छोटी विशेषताएं, वह परिवर्तन का प्रबंधन और दूसरी है विविधता में एकता। तो आज हम इस टॉपिक में परियोजना का बारे में पढ़ा, और अगले इसी सब्जेक्ट में हम विषय में जिसका नाम है परियोजना प्लानिंग एवं बजटरी कंट्रोल, ये EAPM का सेकंड टाइटल है, फर्स्ट टाइटल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। अब हम कल हम अगले जो वीडियो उसमें हम परियोजना पहचान के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से।
पढ़ेंगे। अब इसमें जो पर्सन बनता है वो परियोजना प्रबंध से आप क्या समझते हैं? और एक छोटा प्रश्न वो बनता है हुआ परियोजना को परिभाषित कीजिए। परियोजना प्रबंध के कोई दो लक्ष्य बताइए। किसी परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है वो बताइए।